डियर स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी में अब तक हमने बहुत सारे रीसेंट डेवलपमेंट देखे, बहुत सारे पैराडाइम देखे। हमने शुरुआत की थी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से, हमने पॉसिबिलिज्म के कॉन्सेप्ट को देखा, न्यू डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट को देखा, फिर हमने क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन ज्योग्राफी में कैसे आया, कब आया उसको देखा, उस पर आधारित जो प्रत्यक्षवाद है, पॉजिटिविज्म की अवधारणा है वो कैसे आई उसको हमने देखा, हमने व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म की बात की। लेकिन हमने ये देखा कि इन तमाम चिंतन फलकों में कहीं ना कहीं भूगोल की विषय वस्तु को कैसे समझा जाए, उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, उसको किस दायरे में लिया जाए, उसमें विषय वस्तु में कौन कौन सी चीजें शामिल होनी चाहिए, ठीक है, और कौन से विधि तंत्र के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुल मिला के हम विषय की विषय वस्तु के इर्द गिर्द घूम रहे थे। यहां पे एक बात सामने आई कि क्या इससे विषय के सामाजिक सरोकार को सुनिश्चित किया जा सकता है, और ये बहुत बड़ा प्रश्न सामने आया कि क्या हम सब्जेक्ट का अप्लाइड ओरिएंटेशन तय कर सकते हैं इससे, क्या हम विषय के अंतर्गत हम कहीं ना कहीं जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्या हम उन समस्याओं को समझने के साथ उनके हल प्रस्तुत करने में सक्षम हैं। ये सारी बातें सरफेस पे आने लगी, तो उसी का नतीजा था क्रिटिकल रेवोल्यूशन। और उस क्रिटिकल रेवोल्यूशन का एक भाग जिसको हम व्यवहारवाद के रूप में देखते हैं उसको हमने देखा, और वो विषय वस्तु में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जो प्रत्यक्षवादी हैं उस दृष्टिकोण में और जो वास्तविकता है उसमें क्या अंतर है, मानव का स्थान केंद्र में होना चाहिए, फिर उन्हीं बातों तक सीमित रह गया। लेकिन जहां पर बात आती है सामाजिक मुद्दों को समझने, सामाजिक मुद्दों को हल प्रस्तुत करने और सामाजिक कल्याण के लिए भूगोल विषय की प्रासंगिकता स्थापित करने की, तो हम देखते हैं कि क्रिटिकल रिवॉल्यूशन के जो बाद के डेवलपमेंट हैं, ठीक है, हालांकि बाद के तो नहीं कह सकते क्योंकि वो कंटेम्परेरी हैं, लेकिन ये जो डेवलपमेंट्स हैं, ये डेवलपमेंट जो हैं, ये अलग अलग तरीकों से जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको एड्रेस करते हैं, उनको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ उनके हल प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। इसी में आता है ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, इसी में धारा में जुड़ता है क्रांतिकारी भूगोल, इसी धारा में जुड़ता है कल्याणकारी भूगोल, लगभग इसी धारा का हिस्सा है महिलावादी भूगोल। हम अभी चर्चा करेंगे ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी की, या यूं कहें कि मानववादी भूगोल की। हम इस पर कंसंट्रेट होते हुए इस बात को हम तरजीह देंगे कि किस प्रकार से भूगोल के चिंतन में एक नया बदलाव आया, और उस बदलाव के साथ साथ केवल भूगोल के केंद्र में मनुष्य को देखने की बात ही नहीं रही बल्कि उससे आगे कहीं जाकर विमर्श शुरू हुआ, और वो विमर्श शुरू होता है ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी के अंतर्गत। हम आज उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, हम यदि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें कि किस किस तरह से ज्योग्राफी को मानव केंद्रित करने की परंपरा शुरू होती है, तो हम जाके देखते हैं 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के कामों को, और हम नाम लेते हैं कॉम्ते दी बफन और इमैनुअल कांट का, क्योंकि इन्होंने एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच मतलब मानव केंद्रित उपागम जो है, ठीक है, उसके साथ भूगोल को आगे बढ़ाने की बात पर जोर दिया। आगे जाके हमने देखा कि कार्ल रीटर और ने भी इस दिशा में
अपना योगदान दिया, लेकिन वास्तव में एक मूवमेंट की तरह थोड़ी सी शुरुआत देखने को मिलती है विदाल्दी लाब्लास के कंट्रीब्यूशन से, जिसमें उन्होंने जेनरेटिव आई जीवन शैली की बात की थी और उसके आधार पर कहीं ना कहीं भूगोल में इंटरप्रिटेशन में एक नए नजरिए की बात उन्होंने कही थी। इस ट्रेडिशन को लूसियन फैब्रे और जीन ब्रूनस भी जापान और उसके बाहर तक पहुंचाते हैं, फ्रांस और उसके बाहर तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ये फ्रेंच हैं, विदाल्दी लाब्लास, फैब्रे, ब्रूनस, ये सब फ्रेंच कंट्रीब्यूटर्स हैं। फिर हम देखते हैं कि कार्ल सावर की लैंडस्केप पैराडाइम आता है, और वो जो लैंडस्केप पैराडाइम आता है जिसमें सांस्कृतिक भूदृश्य की बात वो काफ़ी विस्तारित रूप में करते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं ह्यूमन को एक इम्पॉर्टेंट एजेंट के रूप में देखा जाता है, किस तरह से वो अपने वातावरण के साथ में क्रिया करके और वो सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि धीरे 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 इन बातों पर काफी महत्व दिया जाता है, जिनमें शामिल है मानव की सजगता, ह्यूमन अवेयरनेस, ह्यूमन एजेंसी, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ह्यूमन क्रिएटिविटी, ये जो सृजनशीलता है, प्रज्ञानशीलता है, जागरूकता है ना, मानव से संबंधित इन सारे पक्षों को हम कहीं ना कहीं अब विषय के भीतर उतारने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी कोशिश होती है कि वो जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स को बाहर कर दिया था पॉजिटिविस्ट ने, तो उन प्रत्यक्षवादियों के विषय को डीह्यूमनाइज करने के जो एफर्ट्स थे, मतलब विषय को उन्होंने मानव रहित कर दिया था और नॉर्मेटिव क्वेश्चन से दूरी बनाई थी। अब ये नॉर्मेटिव क्वेश्चंस जो हैं, ये क्वेश्चंस रिलेटेड हैं वैल्यू जजमेंट से, ये रिलेटेड हैं सब्जेक्टिव कंडीशन से, भाई आप किस तरह से एनवायरमेंट को परसीव करते हो, है ना, आपके जो व्यवहारिक पक्ष है उससे जुड़े हुए मुद्दे थे, मानव के व्यवहार से जुड़े हुए मुद्दे थे, मानव के मूल्यों से जुड़े हुए मुद्दे थे, उनको दरकिनार कर दिया गया। तो फिर ये एक रिवाइवल आया, और इस रिवाइवल में विशेष तौर पे हम यूं कहें कि ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी के बैनर के नीचे ये चीजें वापस विषय के केंद्र में आने लगी, ठीक है। मानवीय मूल्य, मानवीय जो आस्थाएं हैं वो, मानव का आचरण, ये सब चीजें धीरे धीरे अब विषय के केंद्र में आने लगी। और इस चीज को समझना महत्वपूर्ण हो गया कि किस तरह से मनुष्य जो है वो अपने आसपास के वातावरण के साथ में अभिक्रिया करता है, ठीक है। और यहाँ पर ओरिएंटेशन इतना चेंज हुआ कि अब ये बात आर्ग्यूमेंट सामने आया, ये तर्क सामने आया कि ज्योग्राफी के अंदर हमें पृथ्वी का अध्ययन करना चाहिए मनुष्य के घर के रूप में, स्टडी ऑफ ज्योग्राफी एज होम ऑफ मैनकाइंड, उस तरह से हमें विषय के प्रति अपनी परिदृष्टि बनानी चाहिए। और जहां पर हमारा जो मूल ध्येय है वो इस बात पे होना चाहिए, हाउ ह्यूमन परसीव द एनवायरमेंट, किस प्रकार से मनुष्य जो है वो वातावरण को देखता है, किस प्रकार से वो वातावरण के प्रति अपनी दृष्टि बनाता है, ठीक है, उसका क्या परसेप्शन है अपनी सराउंडिंग के प्रति। तो ये बातें, ये 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 एक शिफ्ट हमें देखने को मिला, और इस शिफ्ट से एक नया ट्रेडिशन भूगोल में शुरू होता दिखाई दे रहा था। हम देखते हैं फिर इसके अंदर कि एक विद्वान आते हैं एनी बोटिमर, वो फिर क्या करते हैं, लाब्लासियन जो ट्रेडिशन है वो उसको पुनर्स्थापित करने की कोशिश करते हैं, और वो इस बात को जोर देते हैं कि हमें किसी भी जो स्थानीय इकाई है उसका अध्ययन स्थानीय परिपेक्ष में करना चाहिए, लोकल पर्सपेक्टिव से करना चाहिए। अब ये लोकल पर्सपेक्टिव जो विदालियन ट्रेडिशन में जेनरेटिव आई की बात की जाती है उससे निकल कर आता है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि इन्होंने विदालियन ट्रेडिशन को रिवाइव करने की कोशिश की ज्योग्राफी में,
और जिस तरह विदाल दी लबलाश जो है वो क्षेत्रों के अध्ययन में एक ऐतिहासिक उपागम की बात करते हैं, उसी प्रकार बुटिमर भी ऐतिहासिक उपागम के साथ में इस अध्ययन की बात को स्वीकारते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो मूवमेंट शुरू होता है ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी का, ये मूवमेंट लगभग एक ही प्लेटफॉर्म पे शुरू होता है व्यवहारवाद के साथ, बिहेवियरल ज्योग्राफी के साथ। तो ये दोनों मूवमेंट लगभग एक ही प्लेटफॉर्म पे जन्म लेते हैं, दोनों कहीं ना कहीं पॉजिटिविज्म के क्रिटिक के रूप में आते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी जो है फोकस्ड इटसेल्फ विद सब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्चर एंड द सब्जेक्ट इनटू कंसिडरेशन। यहां ये अंतर आता है व्यवहारवाद के साथ। आपने देखा व्यवहारवाद में ये देखा कि मानव को केंद्र में लाने की बात होती है, लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि वहां साधारण नियम और सिद्धांत प्रतिपादन की ओर बढ़ने की परंपरा हमें यथावत दिखाई देती है। इसलिए वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी की तरफ भागते हैं, व्यवहारवादी कहीं ना कहीं वस्तुनिष्ठता की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो मानववादी भूगोलवेत्ता है, जो ह्यूमनिस्टिक ब्रांच है ज्योग्राफी की, वो उस अनुराग में नहीं दिखाई देती और वो अपने आप को डेडिकेट करते हैं उस तरह के अध्ययन के लिए जिसमें सब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्चर एंड द सब्जेक्ट इनटू कंसिडरेशन की बात होती है। मतलब उसमें जिन पर आप शोध कर रहे हो और जो शोध कर रहे हैं उनसे जुड़े हुए जो वर्णनात्मक पक्ष हैं, जो सब्जेक्टिविटी के पक्ष हैं, उनको ये कहीं ना कहीं तरजीह देने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम सब्जेक्टिविटी को स्वीकार करते हैं तो फिर हम उस दौड़ में शामिल नहीं होते जिसमें सामान्य नियम प्रतिपादन की ओर भागने की कोशिश की जाती है। हम उस दौड़ में शामिल नहीं होते जिसमें वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के लिए हम उन मूल्यों को चुकाते हैं जो यदि हम मानव व्यवहार को केंद्र में लें तो उन पर चलना संभव नहीं होता। अर्थात यदि हम मानव व्यवहार को यदि संज्ञान में लेते हैं तो हमें इसकी विविधता के पक्ष को ध्यान में रखना होगा, और इसकी विविधता के पक्ष को यदि हम ध्यान में रखते हैं तो फिर हम वस्तुनिष्ठता से निश्चित रूप से परे होंगे और हमें कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी को, कहीं ना कहीं जो वर्णनात्मक उपागम है उसको अपनाना होगा, और उसमें हो सकता है कि हम सामान्य नियम प्रतिपादन की ओर ना बढ़ पाए। इसी धारा में जब हम बात करते हैं आगे तो 1951 में विलियम कर्क का कंट्रीब्यूशन आता है एक एस्से के रूप में, और उस एस्से का शीर्षक है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरल एनवायरनमेंट। यहां पर वो बात तो करते हैं ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी की, लेकिन उस समय पूरा जो भूगोल समुदाय है वो ओतप्रोत होता है प्रत्यक्षवाद और परिमाणात्मक क्रांति में। इसलिए ये बात जो है ये हाशिए पे चली जाती है। इसलिए विलियम कर्क का जो दृष्टिकोण है वो कहीं भी सराहा नहीं जाता है, और यही वजह है कि यहाँ पर हमें ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी को लेकर किसी तरह की कोई अच्छी शुरुआत देखने को नहीं मिलती है। जो वास्तविक शुरुआत होती है वो 1970 के दशक से होती है। ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी की वास्तविक शुरुआत एक बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से 1970 के दशक में क्रिटिकल रिवॉल्यूशन के साथ होती है भूगोल में, और इसी के साथ हम देखते हैं व्यवहारवाद की बात भी होती है। और हमने अभी देखा कि किस तरह से व्यवहारवादियों में और जो मानवतावादी भूगोल के पक्षधर हैं उनमें अंतर पाया जाता है। और ये जो पूरा मूवमेंट है क्रिटिकल मूवमेंट, ये बेसिकली प्रत्यक्षवाद के अगेंस्ट रिएक्शन है, ठीक है। तो यहां पे निश्चित रूप से जो परिमाणात्मक उपागम है उसके विरुद्ध आवाज उठाई जाती है,
ज्योग्राफी में जो स्थानिक परंपरा आती है, स्थानिक संगठन के रूप में, ठीक है, स्थानिक विश्लेषण के रूप में, स्थानिक संश्लेषण के रूप में, उसका विरोध किया जाता है। तो एक एक मजबूत शुरुआत जो होती है वो 1970 के दशक से होती है। इसीलिए हम यदि यूं कहें कि मानवतावादी जो भूगोल है उस चिंतन फलक की स्थापना हम कब से देखते हैं, तो उस चिंतन फलक की स्थापना हम 1970 से देखते हैं, क्योंकि 1970 के दशक में ही हम ये देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में भूगोलविद जो हैं वो ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी की लाइन ऑफ थॉट के ऊपर काम करके और इसको एक मूवमेंट का रूप देते हैं। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम चिंतन फलक की संज्ञा तभी देते हैं जब एक धारा, जब एक दर्शन, जब एक विधि तंत्र एक सम्मिलित रूप से ऐसे मूवमेंट को जन्म दे दे जहां बहुत बड़ी संख्या में स्कॉलर्स उसके साथ चलने के लिए तैयार हों, तब हम ये कहेंगे कि हाँ एक नए चिंतन फलक की स्थापना हुई है। ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी में हम देखते हैं कि जब ये मानव भूगोल में विषय आता है तो ये जो उपागम है ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी का उपागम, ठीक है, या ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी का जो चिंतन फलक है, ये भी क्या करता है कि मनुष्य के अध्ययन को भूगोल के केंद्र में स्वीकार करता है, ठीक है। और जो मुख्य उद्देश्य है जो मानवतावादी भूगोल का, वो ये है कि वो मानव जो अपने आप में बहुत एक एक एक, एक जटिल स्वभाव वाला प्राणी है, वो उसको कहीं ना कहीं मानव भूगोल के केंद्र में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से हम इस पूरे मूवमेंट को कहते हैं पीपलिंग ह्यूमन ज्योग्राफी, अर्थात इसमें मानव भूगोल को मानव केंद्रित बनाने का प्रयास किया जाता है। इस तरह जब ये पूरा मूवमेंट का रूप ले लेता है तो उस समय जब बहुत सारे काम इस दिशा में आते हैं तब फिर एक 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 स्लोगन की तरह सामने आता है पीपलिंग ह्यूमन ज्योग्राफी, अर्थात मानव भूगोल का मानवीकरण, ठीक है। उस तरह से हम देखते हैं कि हमें ज्योग्राफी में डेवलपमेंट देखने को मिलता है ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी के पैराडाइम का। जब हम रीसेंट ट्रेंड्स की बात करते हैं, क्योंकि 1970 के दशक में ये मूवमेंट बहुत अच्छे से स्थापित हो जाता है, और इस मूवमेंट को बहुत अच्छे से स्थापित करने में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो होता है वाई फू तुआंग, ठीक है। वो जो मानववादी भूगोल है उसको पॉपुलराइज करते हैं और वो कहीं ना कहीं बात करते हैं कि भूगोल का जो ध्येय है या भूगोल का जो सरोकार है वो लोगों और उनकी जो दशाएं हैं उनसे है ना, अर्थात जो मानव भूगोल है उसका सरोकार लोगों और उनकी दशाओं से है, ठीक है। तो इस तरह जो मानवतावादी भूगोल है उसमें क्या होता है कि मानव पर्यावरण की अंतरक्रिया या अंतर संबंध ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है विषय के लिए, और उसके साथ साथ ये मनुष्य के जो भौगोलिक आचरण है उसको बहुत महत्व देते हैं, ठीक है। और उस भौगोलिक आचरण के लिए उत्तरदायी मनुष्य के अपने आसपास के वातावरण का प्रतिबोध परसेप्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि मनुष्य किस नजरिए से वो अपने आसपास के वातावरण को देखता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तुआन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है वो ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी को एक मूवमेंट के रूप देने में लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन होता है 1970s में, ठीक है। हम ये जानते हैं कि ये मूवमेंट एक तरह से उस धारा के विरोध में आता है जिस धारा में भूगोल को मानव रहित बनाने की कोशिश की जाती है, अर्थात भूगोल में मानवीय पक्षों को दरकिनार किया जाता है और वो किया जाता है प्रत्यक्षवादियों के द्वारा। 1960 का जो दशक होता है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि लोगों का कहीं ना कहीं दुराव होता है विज्ञान के साथ में,
और ज्ञान की कई शाखाओं के साथ में। और वो दुराव इसलिए होता है क्योंकि लोग ये महसूस करते हैं कि अब तक जो ट्रेडिशन चला आ रहा है वो मानवीय समस्याओं के लिए कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं करता, और इवन वो इस बात को भी ध्यान में या उजागर करते हैं कि ये मानवीय समस्याओं के प्रति कोई ध्यानाकर्षण दिखाता ही नहीं है। तो इस तरह से एक ग्राउंड बनता है, एक नई तरह की एक चिंतन फलकों की शुरुआत होती है, जो अब केवल विषय की विषय वस्तु को समझाने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वो विषय के सामाजिक सरोकार को सुनिश्चित करने के लिए, विषय के की सोशल रिलेवेंस को सुनिश्चित करने के लिए, वो कहीं ना कहीं विषय को रीओरिएंट करते हैं, और वो बात करते हैं मनुष्यों की, बात करते हैं वो जिन दशाओं में रहते हैं उन दशाओं की। तो कहीं ना कहीं पीपलिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की बात होती है, अर्थात मानव भूगोल के मानवीकरण की बात होती है। ठीक है, फिर देखो ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच है, पेज अटेंशन टू द रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, है ना, ये मनुष्य के जो भूमिका है उस पर ये कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित करते हैं, और ये इस बात को बहुत महत्व देते हैं कि किस तरह से मनुष्य अपने वातावरण का बोध बनाता है, किस तरह से वो अपने वातावरण को वर्णित करता है, और किस तरह से वो अपने वातावरण को आकार देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ह्यूमन ज्योग्राफी में विशेष तौर पे, क्योंकि ये जो पैराडाइम है ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, ये पूरी तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी तक कन्फाइंड है, और यही कारण है कि आगे जाके जब क्रिटिक आते हैं तो उसमें ये तक कह दिया जाता है कि भाई ये जो चिंतन फलक है इसके विकास के साथ में तो कहीं ना कहीं भूगोल में फिर से ये द्वैतवाद का विमर्श शुरू हो जाएगा कि क्या भूगोल में फिजिकल ज्योग्राफी के लिए कोई स्थान है भी या नहीं। ठीक है, अब देखिए जब हम बात करते हैं कि भाई ये जो मानववादी भूगोल वाले जो धारा के लोग हैं ये किस तरह के मेथड्स को अपनाते हैं, है ना, इनका विधि तंत्र क्या है। ठीक है, हमने देखा कि ये दर्शन संबंधी बदलाव चाहते हैं विषय में। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जिस विधि तंत्र से ये ऊब गए हैं, जो प्रत्यक्षवादी विधि तंत्र जो है जिससे ये दुराव रखते हैं, तो इनका अपना विधि तंत्र क्या है। तो उसमें जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो आता है, इन्वेस्टिगेटिंग नॉलेज दैट एमिनेटेड फ्रॉम ह्यूमन फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये उस ज्ञान को इन्वेस्टिगेट करने की बात करते हैं जो मानव की भावनाओं और उसके अनुभवों से निकल कर आता है। ठीक है, और ये दिस इंक्लूड्स एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल, और इसके अंदर हम शामिल करते हैं उन अनुभवों को जो व्यक्ति परक हैं, जो व्यक्तिगत स्तर पे लोग अनुभव करते हैं। हम बात करते हैं इसके साथ साथ में उन आर्काइवल सोर्सेज की जिससे हम मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप के इंटरप्रिटेशन में ह्यूमन डायमेंशन निकाल कर ला सकते हैं कि लोग अपने वातावरण का क्या प्रतिबोध लेकर चलते थे। ठीक है, अदर रिकॉर्ड्स कैन बी हेल्पफुल इन दिस, है ना, इस मेथडोलॉजी के कई दूसरे जो रिकॉर्ड्स है वो भी इसमें इस विधि में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, इवन फोटोग्राफी तक को भी ये मानते हैं कि वहाँ से भी हमारा कहीं ना कहीं वातावरण या हमारा जो आसपास का हमारी सराउंडिंग है उसके प्रति हमारा बोध है वो परिलक्षित होता है। ठीक है, तो एक तो इसमें जो मेथड हो गया वो मेथड हो गया कि इसमें हम इस तरह से ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करते हैं कि जो मनुष्य है उसके अनुभव और उसकी भावनाएं जो हैं वो अपने सराउंडिंग के साथ में किस तरह से देखी जा सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये मनुष्य और उसके व्यक्तिगत अनुभवों को बहुत महत्व देते हैं।
इसीलिए हम कहते हैं कि व्यवहारवादी कहीं ना कहीं शुरुआत करते हैं इंडिविजुअल पर फोकस करने की, इंडिविजुअल को यूनिट ऑफ स्टडी के रूप में लेने की, लेकिन वो कभी भी ऐसा कर नहीं पाते। सामान्य नियमों की प्रतिपादन की धारा में बढ़ते हुए वो हमेशा ग्रुप्स तक सीमित रह जाते हैं, वो कभी भी इंडिविजुअल के लेवल पे आकर बात नहीं कर पाते। और क्योंकि ये जो मानवतावादी भूगोल है, इनका वस्तुनिष्ठता के प्रति इतना अनुराग नहीं है, ये सब्जेक्टिविटी को महत्व देते हैं, तो इसलिए ये इंडिविजुअल पर कंसर्न करते हैं और ये अपने अपनी परंपरा के अंदर उस पर कायम भी रहते हैं। इनकी जो मेथोडोलॉजी का जो दूसरा भाग है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल वर्ल्ड विथ एम्बरेसिंग अ डाइवर्सिटी ऑफ फिलोसफीज। बहुत सारे दो जो दर्शन उपलब्ध हैं उनकी सहायता से उनको शामिल करते हुए जो सामाजिक विश्व है ना, एक भौतिक विश्व है, एक सामाजिक विश्व है, तो हम उस सामाजिक विश्व का वर्णन प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, क्योंकि ये वर्णन की धारा से है, इंटरप्रिटेशन की धारा से है, तो इंटरप्रिटेशन में हमारे पास में लिबर्टी होती है कि हम नॉर्मेटिव क्वेश्चंस जो हैं, है ना, जो 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 मानकों से संबंधित प्रश्न हैं, हम उनको भी शामिल कर पाए। हमारे पास में जब हम इंटरप्रिटेशन की विधि को स्वीकार करते हैं तो हमारे पास में व्यक्ति विशेष के अनुभवों को महत्व देने के लिए भी स्थान होता है। तो इस तरह से हमारे सामने विधि तंत्र निकल कर आता है मानवतावादी चिंतन को आगे बढ़ाने वाले लोगों का, कि किस तरह से उन्होंने इस नए चिंतन फलक में विधि तंत्रीय बदलाव की बात की और कौन सी विधियों को उन्होंने अपनाया। फिर हम जब बात करते हैं कि बहुत सारा जो दर्शन संबंधी पक्ष है वो ये अपने अध्ययन में लेते हैं और बहुत सारी जो जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं उनको ये कहीं ना कहीं अपनाते हैं। उसमें एसेंशियलिज्म है, आइडियलिज्म है, फेनोमेनोलॉजी है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है और प्रैग्मेटिज्म है, ठीक है, ये सारी ह्यूरिस्टिक्स भी इनका एक इम्पॉर्टेंट टूल देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए कि केवल यहीं पे बात नहीं रुकती है, इसके अलावा ये ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफर्स भी साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान वो, और साइको एनालिटिक मटेरियल्स का भी यूज करते हैं, लेकिन ये इनका यूज उस तरह नहीं करते जिस तरह इनका यूज व्यवहारवादी करते हैं। व्यवहारवादी जब इनका यूज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं विषय में सामान्यीकरण की ओर बढ़ने और व्यवहार से जुड़ी जो मानव व्यवहार से जुड़े हुए जो पक्ष हैं उनके संबंध में नियम और सिद्धांतों के प्रतिपादन की बात करते हैं, लेकिन मानवतावादी भूगोल की धारा में जो लोग काम कर रहे होते हैं वो इन टूल्स को उस नजरिए से कभी नहीं अपनाते, ठीक है। ये इन टूल्स की मदद करके भी जो व्यक्तिगत सोच है, जो व्यक्तिगत अनुभव है वातावरण के प्रति, उसके प्रतिबोधन को समर्पित रहते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि इनका जो ध्यान होता है, फोकस जो होता है वो किसके ऊपर होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ सब्सटेंटिव इंक्वायरी, है ना, बहुत गहन इंक्वायरी करना, बहुत गहराई से चीजों को समझना, और इंटरप्रेटेटिव सोशियोलॉजी। तो ये बेसिकली समाजशास्त्र और इतिहास, इन दोनों के जो एक तरह से कहें कि जो उपागम हैं उनको साथ में लेके चलते हैं। ये ऐतिहासिक उपागम के साथ में देखते हैं कि किस तरह कहाँ के जो लोग हैं वो क्या प्रतिबोधन दिखाते हैं अपने वातावरण के प्रति, क्या परसेप्शन है उनका, और उसके साथ साथ में वो ये देखते हैं कि वो किस तरह से उनको वर्णित करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हिस्टोरिकल आइडियलिज्म और इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजिकल जो ओरिएंटेशन है उसके साथ ये अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम थोड़ी थोड़ी बात करते हैं उन फिलॉसफीज की जिनको ये लोग
अपनी मेथोडोलॉजी के अंदर शामिल करते हैं। जो फिलॉसफी जो है वो इनके जो एपिस्टेमोलॉजिकल ओरिएंटेशन है उसको भी प्रभावित करती है ना, कि किस तरह से ये वास्तविकता का प्रतिबोध करवाते हैं, ठीक है, इनका 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 थियोरिटिकल सेंस क्या है, और उसके साथ साथ उनकी जो मेथोडोलॉजी है उसके ऊपर भी उस दर्शन का प्रभाव हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो हम ब्रीफ में चर्चा करते हैं उन उन दर्शनों की। देखो, सबसे पहला जो आता है वो है एसेंशियलिज्म, है ना। तो ये जो एसेंशियलिज्म की बात की जाती है ह्यूमनिस्ट ह्यूमन ज्योग्राफी में, इसमें ये कहा जाता है कि एवरी एंटिटी हैज हिज ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रत्येक जो इकाई है ना उसके अपने अपनी चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, ठीक है। और ये जो चारित्रिक विशेषताएं हैं ये है ये एंटिटीज टू व्हाट इट इन एसेंस मींस। और हमारा यहां पे होता है कि ये जो चारित्रिक विशेषताएं होती है दैट मेक्स द एंटिटी, जो उस एकाकी को बनाती है ना, तो हम ये देखते हैं कि उसका मीनिंग क्या है ना। और इट इज पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ फेनोमिना, कि हम किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट या है कोई फेनोमिना है, हम उसके अंदर कौन सा एसेंशियल है और कौन सा एसेंशियल नहीं है, उन एस्पेक्ट्स को हम अलग अलग करके देख सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो एसेंशियलिज्म की बात आती है वो एसेंशियलिज्म की बात जो है वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्तर के ऊपर चारित्रिक विशेषताओं पर ये ध्यान केंद्रित करती है। और क्योंकि ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी भी एक व्यक्तिपरक अध्ययन को ये लोग विशेषता देते हैं, महत्व देते हैं, इसीलिए एसेंशियलिज्म जो है इसकी फिलॉसफी इनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर बात आती है आइडियलिज्म की, आदर्शवाद की। हम सब जानते हैं कि गिल्क के काम से ये धारा जो है वो ज्योग्राफी में पॉपुलराइज हुई थी, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि गिल्क जो है वो ज्योग्राफर से ये कहते हैं कि आपको इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए व्हाट ह्यूमंस एज अ डिसीजन मेकर्स बिलीव इन, है ना, कि जो जो मनुष्य है वो एक निर्णयकर्ता के रूप में मैं किस में बिलीव करता है, ठीक है। हमें इस बात पर हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए कि वो उसमें क्यों बिलीव करता है, ये क्यों के प्रश्न से हमारा लेना देना नहीं होना चाहिए, हमारा लेना देना होना चाहिए कि वो किस में बिलीव करता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई होगी, है ना। तो ये बात है आदर्शवाद की बात, ठीक है। और गिल्क जो है इस बात पर भी जोर देता है कि रियलिटी इज बेसिकली ए मेंटल कंस्ट्रक्ट एंड पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, वास्तविकता जो है वास्तविकता वो नहीं है जिस तरह प्रत्यक्षवादी उसको देखते हैं एक भौतिक विश्व के रूप में, वास्तविकता वो नहीं है, वास्तविकता ये है कि किस प्रकार से हम वास्तविकता का मानसिक प्रतिबोध करते हैं, है ना, उसका मेंटल कंस्ट्रक्ट कैसे बनाया जाता है, उसका मानसिक प्रारूप कैसे तैयार किया जाता है मानव व्यवहार में, वो वास्तविकता है, ठीक है। तो यहां पर हमें अच्छी तरह से पता लग गया कि आदर्शवाद जो है वो इस बात पर जोर दे रहा है कि हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो मनुष्य जो कि एक निर्णयकर्ता के रूप में है, ठीक है, वो किस में विश्वास करता है, है ना, वो क्यों करता है ऐसा, उस पर हमारा ध्यान केंद्रण नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं फेनोमेनोलॉजी की, है ना। फेनोमेनोलॉजी को रेल्फ ने पॉपुलराइज किया था, ठीक है, और दिस इज बेस्ड ऑन प्रिमाइस दैट देयर कैन बी नो सब्जेक्टिव वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये कहते हैं कि कोई भौतिक विश्व हो ही नहीं सकता जहां पर हम मानवीय अस्तित्व की बात नहीं करें, इसीलिए इसका नाम इसको हम जो फेनोमेनोलॉजी की बात करते हैं इसको हम ये कहते हैं कि भाई ये पूरी तरह से मानव केंद्रित दुनिया की बात करता है, मानव केंद्रित विश्व की बात करता है, कोई ऐसा विश्व नहीं हो सकता, कोई वस्तुनिष्ठ विश्व नहीं हो सकता जो मानव से परे हो,
ठीक है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। दे बिलीव ऑन एनवायरमेंट दैट इज परसीव्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स थ्रू इंडिविजुअल परसेप्शन, और वो कहते हैं कि वातावरण वो है जो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में जो प्रतिबोध उसका है वातावरण के प्रति, वो हमारे लिए वातावरण है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये इस बात को भी बताते हैं हाउ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग स्ट्रक्चर्ड द एनवायरमेंट इन ए सब्जेक्टिव वे, किस तरह है कोई व्यक्ति विशेष जो है वो जो वातावरण है आसपास का, जो सराउंडिंग है, ठीक है, वो किस तरह से उसकी पिक्चर अपने दिमाग में सब्जेक्टिव तरीके से बनाता है, वो किस तरह से उसका मेंटल कंस्ट्रक्ट तैयार करता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात आती है, अस्तित्ववाद की बात आती है, तो ये लोग ज्यादा महत्व देते हैं ह्यूमन क्वालिटी एंड सब्जेक्टिव एस्पेक्ट की, ठीक है। तो ये मानवीय गुणवत्ता और उसके जो वर्णन संबंधी जो उसका पक्ष है उसको ये ज्यादा ध्यान देते हैं सब्जेक्टिविटी की, कि एक मनुष्य जो है वो अपने वातावरणीय प्रतिबोध में दूसरे मनुष्य से भिन्न हो सकता है, ठीक है। आर्ग्यूड दैट एग्जिस्टेंस कम्स बिफोर एसेंस, अब ये तो कह रहे हैं कि पहले एग्जिस्टेंस आती है, पहले अस्तित्व आता है और उसके बाद में हमारा वातावरणीय बोध जो है वो तैयार होता है, ठीक है। और ये पुट फोकस ऑन पर्सनल फ्रीडम, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पर्सनल डिसीजन मेकिंग, व्यक्तिगत निर्णय क्षमता और पर्सनल कमिटमेंट, इन पर ये लोग फोकस करते हैं और ये भी ऐतिहासिक उपागम का अनुसरण करने की बात को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है उसमें और जब हम प्रैग्मेटिज्म में फर्क देखते हैं तो यहां ये स्लोगन उल्टा हो जाता है, ये कहते हैं एसेंस कम बिफोर दिस एग्जिस्टेंस, ये हमें इन दोनों में अंतर दिखाई देता है, ठीक है। और ये कहते हैं कि एवरीथिंग ऑन द अर्थ डिपेंडिंग ऑन ह्यूमन कॉग्निशन, कुछ भी जो पृथ्वी के ऊपर आपको दिखाई देता है वो ह्यूमन कॉग्निशन जो है उसका परिणाम है, ठीक है। और जो हर्मेन्यूटिक्स आते हैं, हर्मेन्यूटिक्स में बात आती है कि ये पूरा ध्यान किस पर केंद्रित करते हैं, सामाजिक सचेतना पे, सोशल कॉन्शियसनेस पे इनका पूरा ध्यान होता है। एंड डेल्ट विद द थियरी ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ मीनिंग, और वो हमेशा अपने आप को समर्पित करते हैं थियरी ऑफ इंटरप्रिटेशन के लिए, है ना, वर्णन की जो सिद्धांत परक परिपाटी है उसके लिए, और उसके साथ साथ में जो भी अर्थ हम निकालते हैं हमारे वातावरण का, उसका जो 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 मीनिंग है उसको क्लैरिफाई करने में, उस पर ये ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो दर्शन संबंधी जो क्षेत्र हैं उनसे विषय वस्तु साझा करते हैं, उनसे एपिस्टेमोलॉजिकल अटैचमेंट दिखाते हैं ये ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफर्स। अब देखिए ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी में दो तरह के उपागम बहुत महत्वपूर्ण हैं। नंबर एक, थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप, पहला उपागम तो ये है कि इनका पूरा ध्येय होता है विस्तारित रूप के अंदर मानव और उसके वातावरण के साथ में संबंधों को समझना, उसको गहराई से समझना। और उसको गहराई से समझने के लिए उन्होंने ये कहा है कि क्या आधार क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा इंडिविजुअल और ग्रुप एक्सपीरियंसेस एंड अवेयरनेस अबाउट द स्पेस एंड प्लेस, कि इसको समझने के लिए मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों को गहराई से समझने के लिए आपका जो मूल आधार है वो होना चाहिए आपके अनुभव, व्यक्ति विशेष के अनुभव, व्यक्ति समूहों के अनुभव और स्थान के प्रति उनकी जागरूकता। ये एक उपागम वो लेकर चलते हैं। दूसरे उपागम में वो इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य जो है, ठीक है, उसको हम पैसिव बीइंग के रूप में नहीं ले सकते, ठीक है। तो ह्यूमंस एज रैशनल बीइंग, वो मनुष्यों को क्या करते हैं, एक रैशनल एंटिटी के रूप में देखते हैं, ठीक है, विथ पावर टू थिंक एंड परसीव, कि ये जो मनुष्य हैं ये रैशनल बीइंग हैं और इनके अंदर सोचने
और दृष्टि बनाने, परसीव करने की क्षमता पाई जाती है, अर्थात उसी परिदृष्टि से आपको ह्यूमन बीइंग्स को देखना होगा। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमें देखते हैं कि जो एक बदलाव आता है, ठीक है, उस बदलाव के तहत क्या होता है कि जो अब जो विषय की विषय वस्तु तैयार होती है वो कहाँ से होती है? द एम्पिरिकल डेटा कंसिस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य लोगों से जो अनुभविक तथ्य प्राप्त होते हैं उनसे, एंड हाउ दे एक्सपीरियंस स्पेस एंड प्लेस। तो अब वो जो जनरलाइज्ड डेटा लेकर और नियम और सिद्धांत बनाने की परिपाटी से दूर हट जाता है विषय, ठीक है, और किस बात को महत्व दिया जाता है कि इसके अंदर नो डाउट ये भी एम्पिरिकल ट्रेडिशन का फॉलो करते हैं, ये कहीं भी अनुभविक शोध का विरोध नहीं करते, अनुभविक शोध की परिपाटी को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारा जो अनुभविक शोध के लिए हमारे जो आंकड़े हैं वो उसमें शामिल है आम लोगों से जुड़े हुए वो तथ्य जो उनके पर्यावरणीय प्रतिबोध को दर्शाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से वो अपने आसपास के वातावरण और स्थान को देखते हैं, अनुभव करते हैं। फिर देखते हैं कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच सीम्स टू हैव अ लॉट इन कॉमन विथ बिहेवियरल ज्योग्राफी। हमें बहुत सारी बार ऐसा लगता है कि ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी बिहेवियरल ज्योग्राफी से अलग कैसे है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि इन दोनों की दोनों ब्रांचेस में हमें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में भी ये सवाल आता है कि यदि ऐसा है तो अंतर कहाँ है, फिर इन दोनों ब्रांचेस में हमें अंतर कहाँ दिखाई देता है। तब बात आती है, हाउएवर दीज अप्रोचेस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द फैक्ट दैट द बिहेवियरलिज्म ज्योग्राफी यूजेस क्वांटिटेटिव मेथड्स। हमने देखा कि व्यवहारवादी जो है वो सामान्य नियम प्रतिपादन की धारा से अलग नहीं हटते हैं, वो साइकोमेट्रिक टूल्स को एनालिसिस के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, वो क्वांटिटेटिव टूल्स को एनालिसिस के रूप में यूज करते हैं। इसलिए जो व्यवहारवादी भूगोल के जो अनुसरण करता है उनकी तकनीक जो है उसमें मात्रात्मक विधियां शामिल हैं, जबकि ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी यूजेस पर्टिकुलरली क्वालिटेटिव मेथड्स फॉर रिसर्च ऑन ह्यूमन बीइंग। और ये जो मानवतावादी भूगोल से जुड़े हुए लोग हैं ये जो गुणात्मक शोध की विधियां हैं उनको अपनाते हैं। तो ये एक बड़ा अंतर है, क्योंकि जब ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को ले रहे हैं तो इनके लिए जो शोध है वो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण टूल है वो होते हैं, जैसे एथनोग्राफी है ना, इस तरह के जो टूल्स होते हैं वो इनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इंडिविजुअल डायरीज इनके लिए टूल्स के रूप में हो सकते हैं, ठीक है, इवन इंडिविजुअल पेंटिंग्स इनके लिए टूल्स के रूप में हो सकते हैं। तो इनके जो टूल्स हैं वो क्वालिटेटिव इन नेचर हैं, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफर्स के, जबकि जो 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 व्यवहारवादी भूगोलवेत्ता है वो कहीं ना कहीं जो मात्रात्मक विधियां हैं उन तक अपने आप को कन्फाइन रखते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी थीम्स निकल के सामने आती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि भाई इसमें सबसे केंद्र में मानव और उसकी भूमिका होती है, ठीक है, रोल ऑफ ह्यूमंस जो है वो इसमें केंद्र में होता है। और दूसरा कि इनका जो ध्येय है, इनका सरोकार है, वो मानवीय क्रियाओं के प्रतिफलों से है, ठीक है, आउटकम्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज उससे है इनका सरोकार। फिर ले और सैम्बल, ये दो काफ़ी फेमस विद्वान हुए हैं ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी में, जिन्होंने ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी को आगे बढ़ाया। तुआन के बाद में यदि हम किन्हीं का नाम लें तो वो ले और सैम्बल हैं, ठीक है, जिन्होंने ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया। और ये लोग क्या करते हैं, ये तीन बेसिक परसेप्ट्स की बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी में, कभी तीन जो आयाम हैं जिनकी बात हमें ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी में केंद्र में रखनी चाहिए और उसके इर्द गिर्द हमारा हमारा जो जो इंटरप्रिटेशन है वो आना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला है वो है
एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म, है ना, अर्थात अर्थात मानव को केंद्र में रखकर और उसके उसके हिसाब से हमें मानव पर्यावरण अंतर संबंधों को ध्यान में लेना चाहिए। नंबर दो सब्जेक्टिविटी, कि क्योंकि हमारा ध्येय हमारा फोकस व्यक्ति विशेष है, क्योंकि हमारा फोकस जो है हम व्यक्तिपरक दृष्टि से आगे बढ़ते हैं, इंडिविजुअल हमारा फोकस है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें वस्तुनिष्ठता की तरफ भागने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्टिविटी जो है हमारे विषय का विशेष आचरण बना रहेगा। और तीसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, ठीक है, अर्थात जो स्थान है उसकी संकल्पना, क्यों, क्योंकि हम इस मानवतावादी चिंतन के अंदर हम इसी चीज को महत्व देते हैं कि किस तरह से मानव अपने आसपास के वातावरण का प्रतिबोधन करता है, अर्थात स्थान की जो संकल्पना है वो हमारे लिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आम भी पांच बड़ी बड़ी थीम्स या धाराओं की बात करता है मानवतावादी भूगोल के अंदर, और वो जो थीम है उसमें पहला है ज्योग्राफिकल नॉलेज एंड पर्सनल ज्योग्राफीज, क्योंकि आप व्यक्तिपरक हैं अध्ययन में, आप इंडिविजुअल को यूनिट ऑफ स्टडी के रूप में लेते हैं, तो आपको पर्सनल ज्योग्राफीज पे अटैच रहना चाहिए, अर्थात व्यक्ति विशेष जो है उसके मेंटल कंस्ट्रक्ट में ज्योग्राफी क्या है, पर्सनल उसकी उसका उस व्यक्ति का भूगोल क्या है, उस व्यक्ति का अपने वातावरण का प्रतिबोधन क्या है, उस पर आपको ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। तो एक थीम तो आपकी हो जाती है पर्सनल ज्योग्राफीज पर फोकस करना चाहिए। नंबर दो है रोल ऑफ टेरिटरी एंड क्रिएशन ऑफ प्लेस आइडेंटिटीज, है ना, ये जो स्थान है ठीक है उसकी भूमिका क्या है और किस प्रकार से जो स्थान जो है उसकी उसकी पहचान बनती है, क्योंकि स्थान की जो पहचान है वो कहीं ना कहीं मानव के उस स्थान के प्रतिबोधन में है, किस तरह से ह्यूमन बीइंग जो है वो प्लेस को आइडेंटिफाई करता है, परसीव करता है, तो अगला ध्यान आपका उसके ऊपर होना चाहिए। तीसरा है क्राउडिंग एंड प्राइवेसी, क्योंकि क्राउडिंग और प्राइवेसी ये दोनों ही अलग अलग तरह के कॉन्सिक्वेंसेज लेके आती है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सम सॉर्ट ऑफ प्राइवेसी इज नीडेड फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, है ना, हर एक मनुष्य के लिए एक निश्चित सीमा तक जो प्राइवेसी है वो आवश्यक होती है, ठीक है। तो ये बात करते हैं कि हमें क्राउडिंग के इम्पैक्ट को देखना चाहिए, हमें प्राइवेसी के महत्व को देखना चाहिए और किस प्रकार से इन दोनों को ध्यान में रखते हुए वातावरणीय बोध जो है ठीक है उस पर उनका प्रभाव पड़ता है, हमें उसको संज्ञान में लेना चाहिए। अगली बात आती है रोल ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज इन डिटरमाइनिंग लाइवलीहुड, कि किस तरह से, क्योंकि अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि कोई भी मनुष्य है वो सर्वाइवल के लिए कोशिश करता है और उसकी जो सर्वाइवल के लिए कोशिश होती है ठीक है, क्योंकि उसको हर एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए किसी न किसी प्रकार के जीविकोपार्जन साधन पर आश्रित होना पड़ता है, तो वो कहता है कि ज्योग्राफर को ह्यूमनिस्टिक ब्रांच के अंदर इस थीम पर भी काम करना चाहिए कि किस प्रकार से जो भौगोलिक ज्ञान है वो उस व्यक्ति विशेष के लिए जीविकोपार्जन को सुनिश्चित करने में भूमिका अदा करता है, हमें इस बात को भी संज्ञान में लेना चाहिए। और फिर आए द इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन, क्योंकि बेसिकली मनुष्य का जो वातावरणीय प्रतिबोधन है उसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है धार्मिक जो हमारी आस्था है उसकी, हमारे जो धार्मिक मूल्य हैं उनकी, हमारे जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनकी, वो सब बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं जब आप ये बात करते हैं कि स्थान का प्रतिबोधन जो है ना, परसेप्शन ऑफ प्लेस है, वो आपके मस्तिष्क में कैसे तैयार होता है जब हम इसकी बात करते हैं। अब देखिए जब हम देखते हैं कि हम मानवतावादी भूगोल के मूल चरित्रों को हमने देखा कि किस तरह की अप्रोचेज उसके अंदर डेवलप होती है, हमने ये देखा कि किस तरह का फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन तैयार होता है और किस तरह से वो बहुत सारी जो फिलोसॉफिकल ब्रांच है उसके साथ में वो
विषय वस्तु को साझा करते हैं। हमने ये देखा कि किस तरह के मेथड्स ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी में हम इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन से परसेप्ट्स और थीम के ऊपर जो मानव भूगोल है, मानवतावादी भूगोल है, वो केंद्रित है। ठीक है, तो अब जब ये बैकग्राउंड हमारा तैयार हो जाता है और अब हम जब मानवतावादी भूगोल को देखते हैं, तो हम एक बात हमारे सामने आती है कि मानवतावादी भूगोल एक वर्णनात्मक अध्ययन पद्धति है। ठीक है, और अब हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आपका जब मूल ध्यान है वो व्यक्ति विशेष पर है, तो निश्चित रूप से आपकी पद्धति जो है वो वर्णनात्मक होगी। तो ये डिस्क्रिप्टिव अप्रोच वाली शाखा है मानववादी भूगोल, जिसका मुख्य उद्देश्य वातावरण संबंधी किसी निर्णय प्रक्रिया में लगे व्यक्तियों की वास्तविक मनस्थिति और वातावरण के बारे में उनके मस्तिष्क में सांस्कृतिक ऐतिहासिक मूल्य बोध से प्रेरित तस्वीर का सही सही चित्रण प्रस्तुत करना है। ठीक है, कि किस तरह से उद्देश्य ये है कि जो मानव है, ठीक है, वो वातावरण से किस प्रकार से अंतर क्रिया करता है, ठीक है, किस प्रकार के निर्णय लेता है वातावरण के साथ जब वो अंतर क्रिया करता है, ठीक है, और उसकी जो वास्तविक मनस्थिति है और वातावरण के बारे में उसका जो प्रतिबोध है वो किस प्रकार का है, उसके मस्तिष्क में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्य बोध से प्रेरित जो तस्वीर है वातावरण की वो कैसी है, ये हमारा हमारा जो सेंट्रल फोकस होता है, हमारा हमारी जो थीम होती है ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी में, जिसमें हम व्यक्ति के प्रतिबोधन पर कि वो किस तरह से वातावरण का प्रतिबोध तैयार करता है, किस तरह से वो वातावरण को परसीव करता है, अपने सराउंडिंग को परसीव करता है, तो हम इन सब बातों पर ध्यान देते हैं। मानववादी भूगोल या मानवतावादी भूगोल जो है वो ब्रांच है अध्ययन की जिसके अंतर्गत की जाने वाली भौगोलिक व्याख्या में निर्णयकर्ता के क्रियाशील मन, ठीक है, और उसके वातावरण प्रतिबोधन की भूमिका को केंद्रीय महत्व दिया जाता है। तो ह्यूमन कॉग्निशन जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और जो किस तरह का परसेप्शन ह्यूमन बीइंग्स के मस्तिष्क में बनता है पर्यावरण को लेके, आसपास के वातावरण को लेके, उसको केंद्रीय महत्व दिया जाता है। मानवता वाली भूगोल का विद्यार्थी जो है मनुष्य को अपने वातावरण से निरंतर क्रियाशील संबंधों में जुड़े हुए प्राणी के रूप में देखता है, ठीक है, वो मनुष्य को इस तरह लेते हैं जो लगातार अपने वातावरण के साथ में अंतरक्रिया बनाए हुए हैं और परस्पर संबंध की प्रक्रिया में मनुष्य और उसका वातावरण दोनों निरंतर परिवर्तित होते हैं, ठीक है, तो ये रिलेशनशिप जो है मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप को टू वे लेते हैं, ठीक है, ये 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 निश्चयवादियों की तरह उसको प्रकृति सत्तात्मक या संभववादियों की तरह उसको मानव सत्तात्मक रूप में नहीं देखते हैं, ठीक है। मानवतावादी चिंतन की मान्यता है कि मनुष्य द्वारा लिए गए निर्णय पूरी तरह से मानव मन की उपज है, ये उनका की स्लोगन है, ठीक है, ये उनके पूरे दर्शन की मूल चाबी है, ठीक है, और जिसमें ये कहा जाता है कि मानव द्वारा जो लिए गए निर्णय है वो पूरी तरह से मानव मन की उपज है, इसलिए हमें मानव के मन में वातावरण का जो प्रतिबोध है उसको समझना जरूरी है, उसको समझेंगे तो ही हम मनुष्य की निर्णय प्रक्रिया को समझने में सक्षम होंगे, और मानववादी चिंतन में मनुष्य को उसके समग्र चिंतनशील स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे भूगोल को सामान्य लोगों के अध्ययन पर केंद्रित व सामान्य जन हिताय विषय बनाया जा सके, ठीक है, तो इसीलिए बोलते ना पीपलिंग ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब देखो जो दार्शनिक आधार है, अभी हमने बात करी कि बहुत सारी ब्रांचेज जो हैं उनसे फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस को साझा करते हैं ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफर्स, उसमें आदर्शवाद की ब्रांच
बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें गोयल का काम बहुत महत्वपूर्ण है, हैरिस का काम महत्वपूर्ण है, जो प्रत्यक्ष ज्ञानवाद है, फेनोमेनोलॉजी है, उसके उसमें रेल्फ और तुआन का काम बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके साथ साथ में हम अस्तित्ववाद जो है उसको भी महत्व देते हैं, है ना। इसके साथ साथ हम एसेंशियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म से भी हम चीजों को को समझाने के लिए दर्शन संबंधी जो उपागम है उसको मानवतावादी भूगोल में सम्मिलित करते हैं, उस लाइन पर भी हम काम करते हैं। जो आदर्शवादी चिंतन धारा है उसकी ये केंद्रीय मान्यता है, अभी हमने देखा भी कि मानव जीवन की वास्तविकता मानव मस्तिष्क द्वारा निर्मित होती है, ठीक है ना। ये जो मानव है उसके जीवन की वास्तविकता है कि किस तरह से मनुष्य अपने सराउंडिंग को, अपने समाज को देखता है, ये सब उसके उसके मानव मस्तिष्क द्वारा निर्मित वास्तविकता है, ठीक है। मानव मस्तिष्क की वास्तविकता से परे कोई वास्तविकता को ये स्वीकार नहीं करते, ठीक है। आदर्शवादी दर्शन मानवीय ज्ञान को भौतिक तत्वों के प्रतिबोधन का परिणाम मानता है, है ना। मानवीय ज्ञान क्या है? ये भौतिक तत्वों का प्रतिबोधन है, और हमारे चारों तरफ का वातावरण क्या है? ये भौतिक तत्वों का एक तरह से मान लीजिए समूहन, ठीक है। अब देखिए, आदर्शवादी चिंतन का उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर सांस्कृतिक भूदृश्यों के विकास की प्रक्रिया को उसके पीछे निहित विचार प्रक्रिया के रहस्य उद्घाटन के आधार पर समझने का प्रयास। तो यहां दो चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, हिस्टोरिकल अप्रोच, कि आपको मानवतावादी जो चिंतन फलक है उसके अंदर आपको ऐतिहासिक उपागम जो है उसके साथ अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ ये क्या कहते हैं कि पृथ्वी के सतह पर सांस्कृतिक भूदृश्यों के विकास की प्रक्रिया, है ना, जो सांस्कृतिक भूदृश्य जो मनुष्य पृथ्वी के ऊपर बनाता है, है ना, उन भूदृश्यों के जो विकास की प्रक्रिया है उसको उनके पीछे निहित विचार प्रक्रिया के आधार पर समझना चाहिए, और वो विचार प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं मनुष्य के मस्तिष्क की उपज, ठीक है। और इसीलिए मनुष्य का जो मन है उसको टटोलना जरूरी है, और ये जरूरी है कि मनुष्य के मन में वातावरण का प्रतिबोधन कैसा है, इस चीज को समझना जरूरी है। अब हम देखते हैं आगे कि मनुष्य के मस्तिष्क से परे किसी वास्तविकता का अस्तित्व नहीं है। कोई 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 फिजिकल वर्ल्ड नाम की चीज को ये स्वीकार नहीं करते, हमने देखा पीछे भी, ठीक है। ये करते हैं वास्तविकता वो है जो जो विश्व के बारे में मनुष्य का प्रतिबोध है, मनुष्य का जो परसेप्शन है वही वास्तविकता है, क्योंकि सभी प्रकार के मानव व्यवहार, मानव निर्णय, मानव मन द्वारा प्रतिबोधित वास्तविकता का परिणाम है। क्योंकि मनुष्य वास्तव में जो 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 अंतरक्रिया करता है, जो निर्णय लेता है, जो व्यवहार दर्शाता है, वो उसी विश्व के आधार पर दर्शाता है जो विश्व उसके मन में बना है, जो विश्व जिसका प्रतिबोधन उसने किया है, विश्व जिसको उसने परसीव किया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आदर्शवादी जो चिंतन है उसके अंदर एक जो भौतिक विश्व है, ठीक है, उसका कोई स्थान नहीं है, ठीक है। मानव मस्तिष्क से परे वो किसी वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते, वो कहते हैं कि मानव मस्तिष्क के परे जो है वो किसी वास्तविकता का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। अब फेनोमेनोलॉजी की जो ब्रांच है जिसको रैल्फ ने पॉपुलराइज किया, ठीक है, ये जो ब्रांच है इस चिंतन के अनुसार मानव के अस्तित्व से स्वतंत्र किसी वस्तुनिष्ठ संसार का अस्तित्व नहीं पाया जाता, ठीक है। अर्थात जो 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 ह्यूमन एग्जिस्टेंस है ना, दैट इज द प्राइम रियलिटी, क्योंकि हमारे सभी प्रकार के ज्ञान सांसारिक अनुभवों के परिणाम है, अतः हमारे अस्तित्व बोध से
अनिवार्यतः है जुड़े हैं, ठीक है ना। तो ये जो बात कह रहे हैं फेनोमेनोलॉजिस्ट, ठीक है, तो ये इस बात को स्वीकार करते हैं कि मानव का प्रतिबोधन ही, इस बात को आदर्शवादी भी स्वीकार करते हैं कि मानव का जो प्रतिबोधन है वही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तुआन जो है वो क्या कहते हैं कि मानववादी भूगोल मानवीय संसार को लोगों और उनके प्राकृतिक वातावरण के बीच के अंतर संबंधों, उनकी क्षेत्रीय व्यवहार पद्धति तथा अपने स्थान और क्षेत्र के बारे में उनके स्वयं के विचारों और धारणाओं के अध्ययन के आधार पर समझने का प्रयास करता है। तो कहीं भी ये उस वस्तुनिष्ठ विश्व की बात नहीं करता, ठीक है, ये उस विश्व की बात करता है जो मनुष्य के अस्तित्व से बना है, मनुष्य के अस्तित्व से स्वतंत्र जो है, उस विश्व की ये कहीं बात नहीं करता, उस वस्तुनिष्ठ विश्व की ये बात कहीं नहीं करता। इसीलिए ये कहता है कि मानवीय संसार को लोगों और उनके प्राकृतिक वातावरण के बीच अंतर संबंधों, उनकी क्षेत्रीय व्यवहार पद्धति और अपने स्थान और क्षेत्र के बारे में उनके स्वयं के विचार और धारणाएं आदि का जो अध्ययन है उसी के आधार पर हमें समझना चाहिए, ठीक है, उसके आधार पर ही हम संसार को समझ सकते हैं, उससे परे हमें संसार को समझने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। सामाजिक इकाइयों और उनके निवास स्थान के बीच उत्तरोत्तर जो विकसित होने वाला गहन संबंध है, ठीक है, ये भी एक हिस्टोरिकल अप्रोच है, ठीक है, कि किस तरह से कहीं पर कोई समाज रहता है, ठीक है, और उस वो समाज जब अपने आसपास के वातावरण से लगातार अंतर किया क्रिया करता है, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि उस समाज और उस निवास स्थान के बीच में उत्तरोत्तर विकसित होने वाले जो संबंध हैं, ठीक है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और उस दिशा में जो काम करने की तुआन की जो परिपाटी है उसी से निकल के आती है एक शब्दावली टोपोहिला, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये टोपोहिला शब्द है, ठीक है, ये किसने दिया। तो सामाजिक इकाइयों और उनके निवास स्थान के बीच उत्तरोत्तर विकसित होने वाले गहन संबंधों को वर्णित करने के लिए तुआन ने एक शब्दावली इस्तेमाल करी और वो है टोपोहिला, ठीक है, कि ये टोपोहिला क्या है। ये किसी भी क्षेत्र में, किसी भी वातावरण में, वहां पर जो समाज बसता है, उस समाज और उस वातावरण के बीच के जो उत्तरोत्तर संबंध है, ठीक है, उनको वर्णित करना जो है वो टोपोहिला है, ठीक है, उसको हम टोपोहिला की संज्ञा देंगे। अब देखिए, तुआन की टोपोहिला संकल्पना और राइट की जियोसॉफी, है ना, ये बहुत हद तक समान है, और दोनों मानवीय संवेदना और निवास स्थल के बीच गहन आत्मिक संबंध के परिचायक हैं। चाहे आप राइट की जियोसॉफी ले लीजिए और चाहे आप तुआन की टोपोहिला की संकल्पना ले लीजिए, दोनों की दोनों संकल्पना इसी बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि किस प्रकार से मानव, मानवीय संवेदनाएं और उनका निवास स्थल, ये आपस में गहनता से जुड़े हुए हैं, है ना, किस तरह से इनके बीच के आत्मिक संबंध जो हैं वो विकसित होते हैं, इसी बात पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, जब हम आगे बात करते हैं तो जो अस्तित्ववाद है, ठीक है, अभी अस्तित्ववाद और प्रत्यक्ष ज्ञानवाद, जिसको हम अभी एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात की थी हमने, ये दोनों संबद्ध संकल्पनाएं हैं। अब पहले तो मैं आपसे ये बताता हूं कि ये संबद्ध संकल्पनाएं कैसे हैं, ठीक है, इसको समझने की कोशिश। देखो, हम जब फेनोमेनोलॉजी को अध्ययन कर रहे थे, है ना, जब हम प्रसंज्ञानवाद की बात कर रहे थे, तो देखिए कि प्रसंज्ञानवाद में हमने क्या कहा, रेल्फ ने, कि इस चिंतन के अनुसार मानव के अस्तित्व से स्वतंत्र किसी वस्तुनिष्ठ संसार का अस्तित्व नहीं पाया जाता। तो हमने किसकी बात की, एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, हमने मानव के अस्तित्व की बात की है, ठीक है। तो बहुत जुड़ाव है दोनों में, प्रत्यक्ष ज्ञानवाद, है ना, और
अस्तित्ववाद में, ठीक है। तो फेनोमेनोलॉजी जो है वो और जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है, ये दोनों बहुत ज्यादा नजदीक से जुड़े हुए हैं, परस्पर संबद्ध संकल्पनाएं हैं और दोनों ही प्राकृतिक वातावरण को मानवीय अनुभव के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। दोनों ही प्राकृतिक वातावरण को मानव के अनुभव के संदर्भ में देखने का प्रयास करते हैं। अब ये जो प्रत्यक्ष ज्ञानवाद है ना, जो फेनोमेनोलॉजी की ब्रांच है, वो ये कहती है कि भाई कि पृथ्वी पर दिखाई देने वाले सभी तत्वों का अर्थ मानवीय सचेतना पर निर्भर है, इस बात को वो महत्व देते हैं, ठीक है। कौन? प्रत्यक्ष ज्ञानवाद के लोग। जबकि अस्तित्ववाद के लोग जो हैं वो उससे हटकर बात करते हैं, वो कहते हैं कि अस्तित्व जो है सारगुण से पहले आता है, पहले एग्जिस्टेंस आती है और फिर एसेंस आता है, और वो कहते हैं पहले एसेंस आता है और फिर एग्जिस्टेंस आता है, ठीक है। तो ये एक 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 मूलभूत अंतर है इन दोनों अवधारणाओं के अंदर, इन दोनों दर्शनों के अंदर, ठीक है। अब ले और सैमवल है ना, ये दोनों जो हैं ये मानवतावादी भूगोल की दो आधारभूत विशेषताओं की बात करते हैं। पहला कि भाई ये मानव केंद्रित, ठीक है। हमने आपने वहाँ देखा होगा, वहाँ हमने तीन बातें की थी, एक एंथ्रोपोसेंट्रिक, दूसरा सब्जेक्टिव एस्पेक्ट की बात की, और तीसरा हमने बात किया कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस और स्पेस, ठीक है। ये बातें हमने की थी, वही बात यहाँ पर भी निकल के आती है। तो नंबर फर्स्ट है वो है मानव केंद्रित अध्ययन, है ना, और दूसरा है कोई भौगोलिक क्षेत्र किस प्रकार मानवीय अनुभवों के परिणाम स्वरूप स्पष्ट सामाजिक पहचान वाले स्थान के रूप में परिवर्तित होता है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस की बात, ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस की बात आती है, और भौगोलिक दूरी एक स्थूल मापक के स्थान पर मानवीय संबंधों और मानवीय वियोजन की भाषा का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। और यहाँ पे हम जो हमारा जो तीसरा ध्येय होता है इनके अनुसार, ले और सैमुअल के अनुसार, वो होता है सब्जेक्टिविटी। हम इस पूरे के पूरे अध्ययन की परिपाटी में कहीं भी ऑब्जेक्टिव होकर आगे बढ़ने की बात नहीं करते हैं, ठीक है। समग्रता मूलक जो परिदृष्टि है उसमें भूदृश्यों और घटनाक्रम को उनके संपूर्ण संदर्भ में देखने की बात की जाती है, ठीक है, ऐसा बटिमर ने कहा था। अब देखिए, जब हम इस धारा की क्रिटिसिज्म की बात करते हैं कि भाई ये चिंतन ठीक है, बहुत हद तक ऐसे लगता है कि ये रियलिटी के करीब है, है ना, कि भाई जब आप इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस की बात करते हो, है ना, कि उसका पर्यावरणीय या उसका वातावरणीय प्रतिबोध क्या है, तो इसका मतलब तो फिर आप जो है वो एकदम जो गहन वास्तविकता है वहां तक उतर के आप अध्ययन की बात कर रहे हो, तो फिर ये अध्ययन जो है इसकी आलोचना क्या हो सकती है। तो देखिए, पहला है कि रिसर्चर्स वर नॉट इन अ पोजीशन टू असर्टेन वेदर द रियल और ट्रू एक्सप्लेनेशन हैव बीन प्रोवाइडेड और नॉट। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पूरी तरह से निर्भर हैं विभिन्न जो आपके अध्ययन की इकाइयां हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके द्वारा जो वातावरण का प्रतिबोध आपको प्रस्तुत किया गया है उस पर। तो बहुत सारी बार शोधार्थी इस बात पर असहज महसूस करता है कि हम जो इस एक्सप्लेनेशन को कहां तक सही माने और कहां तक गलत, ठीक है। नंबर दो, कि इसमें जैसे जैसे ये आया था प्रत्यक्षवाद के विरोध में, है ना, मानवतावादी चिंतन, ठीक है, और प्रत्यक्षवाद के अंदर बहुत स्ट्रांग थियरी बिल्डिंग था, और उसी कारण से उसमें जो बहुत स्ट्रांग लॉ फॉर्मेशन थियरी बिल्डिंग, ठीक है, ये जो नोमोथेटिक कैरेक्टर है प्रत्यक्षवाद का, है ना, तो इस कैरेक्टर की वजह से वो बहुत पॉपुलराइज हुआ। उसके अल्टरनेट के रूप में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है वो एक अप्रोच आती है, है ना, ये उसका क्रिटिसाइज करती है उसको और एक नया अल्टरनेट देने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि लैक पावरफुल थियरी बिल्डिंग ट्रेडिशन इन सब्जेक्ट। अब ये यहाँ पे सब्जेक्ट में कहीं भी आप जब इतनी विविधता की बात करते हैं, आप जब प्रत्येक व्यक्ति के
वातावरणीय प्रतिबोध की बात करते हैं तो आप कहीं भी दूर दूर तक सामान्यकरण की ओर नहीं बढ़ सकते, और ये उनका ध्येय भी नहीं था। लेकिन उसका परिणाम ये होता है कि फिर आप किसी भी तरह की सैद्धांतिक जो पृष्ठभूमि है विषय की वो तैयार नहीं कर पाते, ठीक है। फिर है मेथोडोलॉजिकली ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी डिफरेंशिएटेड एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना। अब इन्होंने क्या किया, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पूरी तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी से संबद्ध थे, है ना। ये ह्यूमनिस्टिक जो रिवॉल्यूशन है ये पूरी तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी से सरोकार रखता है। अब इसके अंदर क्या हुआ, इस पूरी यात्रा में कहीं ना कहीं क्या हुआ कि जो कोर ऑफ आवर सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूटेड हो गया, क्योंकि हमारे विषय जो ज्योग्राफी है उसके कोर में भौतिक और मानव दोनों शाखाएं आती है ज्ञान की। और जब हम केवल और केवल एक शाखा पर केंद्रित होकर विचार कर रहे हैं तो हमने कहीं ना कहीं दूसरी शाखा को कम महत्व दिया है। तो उससे क्या है कि जो हमारा जो विषय है ना, उसकी उसकी जो केंद्रीय जो उसकी जो स्थिति है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कमजोर होती है, और इससे कहीं ना कहीं द्वैतवाद की दशा भी विषय में बनती है कि क्या हमें मानव क्या हमें भूगोल में केवल और केवल मानव केंद्रित रहना चाहिए, और वो इस रूप में रहना चाहिए कि हम जो 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 भौतिक भूगोल से संबंधित विषय सामग्री है उससे अपना सरोकार पूरी तरह से हटा लें, ठीक है। मेजर फोकस वाज ऑन सब्जेक्टिव रिसर्च, है ना। जो मूल ध्येय था वो वर्णनात्मक उपागम के ऊपर था, सब्जेक्टिव रिसर्च के ऊपर था, ये कहीं भी ऑब्जेक्टिव रिसर्च की बात नहीं करते। इसलिए हमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि भाई इन बिंदुओं पे इस मानवतावादी चिंतन की हमें आलोचना दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से ये चिंतन जो है ये हमारा पूरा होता है।